नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। शिवपुरी के तेंदुआ थाना क्षेत्र के कोटा नाका में मध्य प्रदेश के बच्चों को वापस बुलाने के लिए लगभग 140 बसें मध्य प्रदेश शासन द्वारा भेजी गई थी, जिसमें लगभग 4000 बच्चे जो कोटा में रहकर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, वो सभी बच्चे कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन में फंस गए थे। देशभर में जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, तभी से एमपी सहित अन्य राज्यों के बच्चे जो राजस्थान के कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन देशभर में लगा हुआ है, जिसके चलते वहीं फंसे रह गए। आज के दिन बच्चों ने राहत की सांस ली है, जिसका पूरा श्रेय एमपी सरकार को जाता है, जिन्होंने कोटा में फंसे एमपी के बच्चों के बारे में सोचा और बसों के माध्यम से अपने घर अपने आंगन एमपी में लेकर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोटा नाके पर वीडियो के माध्यम से कलेक्टर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष बच्चों का हालचाल जाना और सभी बच्चों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को थैंक यू मामा कहकर पुकारा। कोटा से मध्य प्रदेश वापस आ गए हैं और इस चीज के लिए हम मामा जी को धन्यवाद देते हैं। हम लोग पहुंच गए, बहुत अच्छे से पहुंच गए। थैंक यू सर। नो सर, कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू सर। मुकेश जी, आपके बच्चे फंसे थे तो सरकार आपके बच्चे वापस लाई है, कोटा फंसे हुए थे, तो क्या कहना है आपका इसमें? मैं बिल्कुल आभार व्यक्त करता हूँ। जो हमारे साथ में किया, वो सभी बच्चों के साथ एक अच्छा कदम उठाया कि सरकार के द्वारा, इसके लिए बार बार धन्यवाद कहता हूँ। आप कितने दिनों से परेशान थे अपने बच्चों को लेके? मैं पिछले एक महीना से, जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, जब इसे परेशान हूँ और रोजाना एक ही चर्चा होती थी फोन पे या वैसे अपने क्षेत्र में थाना प्रभारी SDOP से, लेकिन आज निजात मिल पाई है। हमारे लिए बहुत खुशी का माहौल है। आज इस माहौल में हम सभी जितने भी अधिकारी का सामान्य जिला से संभाग से, उनको सभी को धन्यवाद देते हैं।